हम आपको दे रहे हैं खबर। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने आज अचानक नागरिक अस्पताल हादसे का दौरा किया है। उनके साथ एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र लावत, सीएमओ, एसएमओ, नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी उनके साथ थे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान जो भी खामियां होने नजर आई उसे दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल के अंदर बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। आपको यह भी बता दें कि आज उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने नागरिक अस्पताल के अंदर हर जगह तीसरी मंजिल तक बेडों का भी निरीक्षण किया है। वहाँ की व्यवस्था देखी गई है। इतना नहीं, लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। साथ ही बता दें कि आज अचानक डॉक्टर प्रियंका सोनी उपायुक्त के हास्य आगमन की खबर मिलते ही प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। देखिए पूरी वीडियो। देखिए, हम आगे जो भी सिचुएशन जनरेट होती है उससे निपटने के लिए ही आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है। और इसके चलते जो ऑक्सीजन प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो लग रहा है उसकी इंस्पेक्शन की जा रही है। और आगे अगर थर्ड वेव आती भी है तो उसके लिए हमारी तरफ से तैयारियाँ पूरी रहें, उसकी आज पूरी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ जो आपने बताया डॉक्टर्स की कमी है, इन जनरली पूरे डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स की कुछ कमी रहती है, परंतु यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका जो बेस्ट उपयोग है, जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता है आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पे बेस्ट ऑफ स्टाफ दे सकें, ये हमारी कोशिश। देखिए, हाल फिलहाल हमारे ज़िले में पूरे केसेस ही 4 केसेस आते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ डेडिकेटेड जो चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल ओपी जिंदल स्कूल में बना हुआ है ऑलरेडी, वो भी फंक्शनल है, सिविल हॉस्पिटल में फंक्शनल है। आप देखिए, जब पूरे ज़िले में ही 4 केसेस 5 केसेस एवरेज प्रतिदिन आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी आइसोलेशन वार्ड बनाने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। परंतु फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमारी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी रेडी हैं। जिस दिन केसेस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे कि हमें हांसी में भी एक अलग आइसोलेशन सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी, उस दिन हमारे सारे संसाधन यहाँ पे रेडी होंगे। एज ऑफ नाउ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हमें करने हैं, चाहे रिसोर्सेज हमारे इक्विपमेंट्स हो, बेड्स हो, स्टाफ हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी सफिशेंट है। किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई अभी परेशानी नहीं है कोविड से रिलेटेड। रही बात बाकी सुपर स्पेशलिटी की, स्पेशलिटी की, तो उसके बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। जो यहाँ की डिमांड है, जो यहाँ की आवश्यकता है, उसके अनुसार जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है हम वो कराएंगे। देखिए, ये जो आपने समस्याएं आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द उनका निदान हो और ताकि हांसी के जो लोग हैं उन्हें और भी ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें। ऑक्सीजन प्लांट मैम कब तक हो जाएगा? जैसे कि अभी आपके सामने बताया गया है कि कल सुबह ही वो इंजीनियर्स आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है अगले एक महीने के अंदर ये काम 100% कम्प्लीट होकर ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा। आशंका तीसरी लहर की बताई जा रही एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया से, क्या वो तीसरी लहर से पहले ये ऑक्सीजन की हम उम्मीद करें कि ये प्लांट तैयार हो जाएगा? डेफिनेटली इट विल हैपन, डेफिनेटली। आपके सामने है, स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी रेडी, कल इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, जो उनका इक्विपमेंट्स है दैट विल आल्सो कम एंड वी आर होपफुल वी विल बी फुली प्रिपेयर्ड। मैडम, नगर परिषद में घोटाले चल रहे जी, उसके लिए क्या कहोगी जी? काफी शिकायतें आजकल मैम वहां से आ रही है। देखिए, उसमें आपके पास जो भी शिकायत है आप हमें उसकी कॉपी दीजिए, वी विल गेट इट इन्क्वायर। देखिए, जो मेरे पास शिकायतें आई हैं उन पे सब पे कार्रवाई चल रही है, जो दोषी हैं उनको सजाएं भी हो रही है। थैंक यू। हासी में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान, एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र लावत नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ बाजार में आए। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि कोई भी दुकानदार अतिक्रमण ना करे, अगर करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
भारद्वाज आप देख रहे हैं, हरियाणा पोल खोलू जी समय हम खड़े हैं, उमरा गेट पर हासी प्रशासन के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत आज बाजार में फिर से आए हैं। आपको दिखा दिया आज अतिक्रमण हटाओ अभियान स्टार्ट कर दिया गया, बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं आपको। ये हासी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत जो कि नगर परिषद हासी के प्रशासक इनको है इस समय, और ये भी दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से पुलिस प्रशासन की गाड़ियां इनके साथ है, पुलिस प्रशासन के लोग अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पूरी तरह से तस्वीर आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं नगर परिषद के कर्मचारी साथ है, पुलिस प्रशासन साथ है और हस्सी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाजार से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। ये अपडेट आप तो दिखा रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे हस्सी के एसडीएम से। सर नमस्कार जी। हाँ ललित, कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, जय जी आपकी। कैसे निकले आज बाजार में जी? बस मैं से निकला जैसे आप लोग निकले थे। हम देख रहे कहीं ना कहीं आज अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर रखा है। हाँ, शहर में बाजारों में जो है ना भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही कर दी है लोगों ने। आप देख रहे हो आपके सामने 10-10 फुट जो है इंक्रोचमेंट कर रखी है, जबकि अपने अंदर सामान आराम से रख सकते हैं। प्रशासन बार बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाता है लेकिन फिर से यही शुरू होता है। कोशिश करेंगे दोबारा ये ना शुरू हो। लगातार आप इस मामले में सक्रिय रहोगे? हम कोशिश करेंगे कि जो है ना ये लोग जो है ना अपने हाथ से बाज आए, नहीं आएगी तो फिर हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। सर आप भीतर की तरफ बाजार की तरफ देखोगे तो पूरा अतिक्रमण हो रहा है। सर अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। ये थे एसडीएम हसी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी को नहीं करने दिया जाएगा और आज से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया। कमेटी नगर परिषद के कर्मचारियों को आदेश दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी अतिक्रमण करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बड़ी अपडेट हरियाणा पोल कौन न्यूज पर उमरे गेट हासी से आपको दिखा रही है।